देश के नए CDS बने अनिल चौहान, विस्टार से बनाए गए 4-स्टार अधिकारी। जानिए क्या होता है फर्क 3 और 4-स्टार रैंक में। देश के दूसरे CDS ने पदभार ग्रहण कर लिया है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को ये मौका मिला है। आपको बता दें कि 61 साल के नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि इनका गांव पूर्व CDS बिपिन रावत के गांव से कुछ ही दूरी पर है। जानकारी के लिए बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, तब वो सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन थे, यानी DGMO थे। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान पिछले साल 3-स्टार रैंक से रिटायर्ड हुए थे। उस समय वो ईस्टर्न कमांड के प्रमुख थे। CDS बनते ही वो 4-स्टार अफसर बन गए। वो देश के पहले ऐसे अफसर हैं जो 3-स्टार रैंक पर रिटायर होने के बाद 4-स्टार पर वापस आ रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या 4 और 5-स्टार रैंक का मतलब होता है और ये किसे मिलता है। भारतीय सेना में 4-स्टार रैंक के सेना प्रमुख यानी जनरल होते हैं। भारतीय सेना का सबसे ऊंचा एक्टिव पोस्ट, इनके कंधों पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के साथ एक सितारा और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बैटन और सेबर होते हैं। 4-स्टार जनरल का रैंक 3-स्टार लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से ऊपर होता है। जनरल के ऊपर सेना में सिर्फ एक ही पद होता है, वो है 5-स्टार फील्ड मार्शल का। भारतीय सेना में आज तक 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, एक KM करियप्पा और दूसरे सैम मानेकशॉ। इनके कंधे पर शेर का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और उसके नीचे कमल के फूलों के घेरे में क्रॉस बैटन और सेबर होता है। जनरल के रैंक के बराबर वायुसेना में एयर चीफ मार्शल और नौसेना में एडमिरल होते हैं। कंधे पर लगने वाले प्रतीक चिन्ह से ही पदों का अंतर पता चलता है। असल में भारतीय थल सेना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कमीशन किए गए अधिकारी, जूनियर कमीशन किए गए अधिकारी और गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक। हर एक की वर्दी पर पद के अनुसार कंधे पर कुछ तारे और प्रतीक चिन्ह होते हैं। कंधों पर लगे बैज पर बने चिन्हों से सेना में पद का पता चलता है, ताकि नीचे के अफसर और स्टाफ उन्हें उपयुक्त सम्मान दे सकें। जनरल को फुल जनरल या 4-स्टार जनरल के तौर पर पहचाना जाता है। CDS की वर्दी पर लगा प्रतीक चिन्ह आप ऐसे पहचान सकते हैं, सोने के धागों से बना ट्राई सर्विस प्रतीक चिन्ह, जिसमें नौसेना का एंकर, सेना का तलवार और एयरफोर्स का बाज बना होता है। साथ में अशोक चक्र का चिन्ह होता है। ये चिन्ह कंधे पर होता है, जबकि कॉलर पर मरून रंग के पैच होता है, जिसके ऊपर 4 गोल्डन स्टार बने होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल 3-स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं, जो 36 साल की कमीशन नौकरी और चयन से मिलता है। इसी पद के अधिकारियों को सेना का उप प्रमुख पद दिया जाता है। इनके कंधे पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बैटन और सेबर होते हैं। जनरल के बाद ये सेना का दूसरे सबसे बड़ा पद होता है। नौसेना में इनके बराबर के पद का वाइस एडमिरल और वायुसेना में एयर मार्शल होता है। इनके कॉलर पर क्रिमेंस पैच होता है, जिसके ऊपर 3-5 कोण वाले गोल्डन स्टार बने होते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल किसी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के होते हैं। इनके कॉलर पर 3-स्टार के नीचे एक ओक लीफ बना होता है, ताकि ये पता चल सके कि ये किस स्तर के अधिकारी हैं और इनके जिम्मे एक पूरा का पूरा कमांड होता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।